So here is a poem titled "वक्त। ये वक्त क्या है? ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है? ये जब ना गुजरा था तब कहाँ था? कहीं तो हो। गुजर गया है तो अब कहाँ है? कहीं तो हो। कहाँ से आया? किधर गया? ये कब से कब तक का सिलसिला? ये वक्त क्या? ये वाकई हादसे तसादुम these incidents, these accidents, these conflicts, every sorrow, every joy, every pain and every pleasure. ये वाकई हादसे तसादुम हर एक गम हर एक असर हर एक कजियत हर एक नजर हर एक तबस्सुम स्माइल हर एक आंसू हर एक नगमा हर एक खुशबू वो जख्म का दर्द हो कि वो लम्स का हो जाए स्पर्श का खुद अपनी आवाज हो कि माहौल की सदाएं ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फिजाएं वो फिक्र में आए जल्जले हो कि दिल की हलचल तमाम एहसास सारे जज्बे ऑल फीलिंग्स ऑल इमोशंस ये जैसे पत्ते बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते अभी यहाँ अभी वहाँ है और अब है ओछा दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है ये कैसा दरिया किन पहाड़ों से आ रहा है ये किस समंदर को जा रहा है ये वक्त क्या कभी कभी मैं सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी सब जा रहे हैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी सब जा रहे हैं मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियाँ कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी ये वक्त साकित हो और हमी गुजर रहे हैं इस एक लम्हे में सारे लम्हे तमाम सदियाँ छुपी हुई ना कोई आइंदा ना गुजश्ता जो हो चुका है वो हो रहा है जो होने वाला है हो रहा है मैं सोचता हूँ कि क्या ये मुमकिन है सच्चे हो के सफर में हम हैं गुजरते हम हैं जिसे समझते हैं हम गुजरता है वो थमा गुजरता है या थमा इकाई है या बटा हुआ मुंजमित या पिघल रहा किसे खबर है किसे पता है ये वक्त क्या बहुत बहुत माइक नहीं था वो माइक क्यों नहीं था सर वो ऑडियो सिस्टम लगाया नहीं यहाँ लोगों ने मतलब थोड़ा जगह कम थी ना सर चलिए बोलिए अब वो बात आएगी नहीं सर थोड़ा पीछे चले जाइए ना सर बहुत ही सम्मोहित कर देते हैं सर आप अपनी बातों से लोगों को ये प्यार है आपका ऐसा कुछ है वे नहीं मोहब्बत है आपकी दोस्त हैं आप मेरे तो ऐसी बात कर रहे हैं जी आज के समारोह इस ओकेजन के बारे में कुछ बताना मैं यही कहूँगा कि मुझे यहाँ आने की बहुत खुशी है और मैं बहुत अच्छा काम देख रहा हूँ यहाँ और ये जो पेंटिंग्स हैं ये बड़ी मेहनत से बनाई हुई है बड़ी डिटेल वर्क है इसमें और ये इनके अंदर लेयर्स हैं ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग है और मैं बहुत ही बधाई देता हूँ सीमा जी को कि इतना अच्छा उन्होंने काम किया है और मुझे यकीन है कि इस काम को हर जगह बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा और ये पेंटिंग ऐसी नहीं है कि आप घूम फिर के ऐसे देख लें और घर चले जाएं ये तो ऐसी है कि एक पेंटिंग के सामने आप खड़े हों या बैठ जाएं और देर तक उसे देखें तो
तो धीरे 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 वो आप में समाएगी। ये पेंटिंग बहुत कुछ कहती हैं और अपनी खामोशी में। सर आपके शब्द हमेशा प्रभावशाली रहे हैं, मतलब बहुत ही सटीक जवाब देते हैं आप। आज आप प्रत्यक्ष रूप में हैं, हम सोशल नेटवर्किंग पे भी आपको देखते हैं। कल आपने एक ट्वीट किया था, वो भी बहुत ही प्रभावशाली रहा, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने जो आपने दिया था, उसको हमें थोड़े से आज प्रत्यक्ष रूप में जरा बताएं, जरा कुछ अपने शब्द आज। ये पेंटिंग मैं यहाँ देखने आया हूँ तो ये तो मैं उनके साथ बड़ी जाते करूँगा ना कि मैं यहाँ दूसरे टॉपिक डिस्कस करना शुरू करूँ। ये इसके लिए आप एक अपॉइंटमेंट मुझसे ले लीजिए, आ जाइए मेरे घर, यू आर मोस्ट वेलकम, और बैठ के एक इंटरव्यू करेंगे। कोशिश कर रहे थे आपको जी जी ट्राई करने के लिए। सर नहीं नहीं, यहाँ बात करना मुनासिब बात, सब लोग एक साथ हैं सर आज यहाँ। हाँ वो सही है, मैंने तो नहीं कहा कि आप एक साथ नहीं हैं, मैंने कहा कि हम आए हैं तो यहाँ की बात करेंगे ना, यहाँ की बात कीजिए इस वक्त।